हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं घास के लिए गई हूँ। और वैसे तो घास के लिए हम रोज़ ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी हम साथ में जाते हैं गांव के कुछ औरतें, और कभी कभी हम अकेले भी चले जाते हैं जब हमारा घास थोड़ा सा हो। तो अभी मैं अकेले आ रखी हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग ही बना लेती हूँ। वैसे ही ब्लॉग बनाने का टाइम तो रहता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम इकट्ठा करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग बनाना पड़ता है। तो अभी ये घास है और इससे मैं दो बार लेके चली गई हूँ, और ये लास्ट बचा है। अब दोबारा मैं यहाँ नहीं आऊँगी, क्योंकि घास तो मैं अभी सारा लेके चली जाऊँगी। पहुँच गई हूँ मैं छन्नी में, और ये मैंने घास भी रख दिया। और ये हमारी गाय, हमने भैंस को बेच दी, हमने अपनी भैंस बेच दी इसके चक्कर में, क्योंकि हम इसको ले आए। देखो इस पर सींग भी नहीं है। ये हमारा बछड़ू का मामा, और ये हमने कुकर पका रखा है। और इसकी राख ना बहुत अच्छी होती है प्याज के लिए, इसको मैं प्याज की क्यारियों में डालूंगी। और ये हमारे प्याज दिखाई भी नहीं दे रहे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। और अब मैं इसमें पूरी राख डाल दूंगी, डाल के अब अच्छे दिखने लग गए। कहाँ जा रहे हो आप? दुकान में। किसकी दुकान में? अपने दादा की पापा की। अपने दादा की पापा की? कहाँ है तेरे दादा की पापा? इनवर मेरे दादा की पापा। हाँ मम्मा, इनवर मम्मा बाय बाय। मेरे मुंह पे लग गया सारा, आँख के अंदर भी चला गया। मौसम फिर से खराब। ये देखो सर, रास्ते में गोबर ऐसे डाल रखा है। यार देखा तुम सास जी तक गुआ लगा अनपढ़ की बोले रू भी कुछ जरा अगर कहते काम करने वाली फिर थी। यार ये तो घर वाली है, तो बाहर वाली बस अब काम करने वाला भेगी। बस अब सुबह रुको दिहाड़ी, अब देखने आखन। और ये पहिया का पेड़ है, पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा, बचपन में हमने इसके बीज बहुत खाए हैं। बोलते हैं कि इसके बीज से जहर भी लगता है, लेकिन हमने तो बहुत खाए हैं। शाम का टाइम है, मैं अभी गोबर फेंकने आई थी ना यहाँ पे। और ये हमारा गांव, मौसम तो भयंकर हो रखा है। और मुझे अभी भिमल भी काटना है, तो मैं भिमल काटती हूँ अब। और नाना जी ने तो हल भी लगा दिया है, स्टार्ट कर दिया है, यानी अगर कल से बारिश नहीं हुई कल तो कल से बवाई शुरू। और अब मुझे भीमल काटना है, तो मैंने गोबर भी फैला दिया है पूरे खेत में, और भीमल भी काट दिया है। ये देखो कितना अच्छा कर रखा है, छत में खून लगा रखी है, बारिश के दिन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सदाबहार नींबू का पेड़, इस पे हमेशा नींबू लगे रहते हैं। और ये हमारे मुर्गी बाड़ के नीचे वाला कमरा था, यहाँ पे हमने वैसे ही सामान रखा था कुकड़ों के लिए, लेकिन अब हम यहाँ पे दुकान खोलने की सोच रहे हैं। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख भी दिया है। इन दोनों को देखो कैसे नाच रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा सामान रखा है, क्योंकि कल ही रखा था हमने ये सामान। और असली दुकानदार तो इन्होंने कर दी है। ओ कैसा मुंह बना रही है, ओ कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मिर्ची लग गई। ओ गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी, देखो गिरने वाली है, गिरने वाली है। और
और ये तो यहाँ पे बहुत खुश हो रखी है, उसे चीज जो खाने को मिल गई है। तो यहाँ पे अभी हमने ओयश दिलबाग वगैरह कुबेर ज्यादातर इसी को ही खाते हैं लड़के लोग। और अभी तो हमने छोटा मोटा सामान रखा है और यहाँ पे बीड़ी माचिस और अंडे चॉकलेट और बिस्किट रखे हैं। और अभी बाकी कमरा पूरा खाली है और ये वाली खिड़की ना हमने कल ही लगाई थी यहाँ पे। यहाँ पे खिड़की भी नहीं लगाई थी हमने पहले से। क्या हुआ? और यहाँ पे एक चारपाई भी लगा दी है कभी इमरजेंसी में अगर यहाँ सोना पड़े तो। और बस इनकी तो खाने की बातें, अब इनके ही मजे हैं, हमको वो खाना है ये खाना है, बस यही लगा रहेगा इनका अब। और सुबह से तुम उनको परेशान करके रखा था कि चलो मुर्गी वाड़ा में चलो, चलो मुर्गी वाड़ा में चलो, बस दिमाग खराब कर दिया था सुबह से। तो आज हम कुकड़े भी चरा रहे हैं साथ में और आधे तो अंदर ही है, बाहर नहीं आ रहे। बिल्ली आएगी तो इनको टपका देगी। और ऊपर लैया एकदम मस्त हो रखा है। दीपू उल्टे काम मत कर। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद जय भारत।